आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल 9.1। देखिए ऑब्वियसली जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपके एग्जाम में आएंगे भी आएंगे, तो मिनिमम टू एग्जाम्पल टू जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आने चाहिए, एग्जाम्पल हो या वो कहीं से भी हो, एक्सरसाइज से हो, एटलीस्ट टू न्यूमेरिकल्स आपके आने चाहिए और आएंगे आई होप। ज़रा देखिए, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा कितनी दी हुई है 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट दिस, बस बेटा कहाँ पर है 5 मीटर अवे फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजिशन नेचर साइज ऑफ द इमेज। जरा समझिए, ये सब कुछ आपको न्यूमेरिकल से सॉल्व करना है। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है, देखो आपको क्या दी हुई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहां पर आपको है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले तो बेटा आपको ये देखना है कि मिरर है या फिर लेंस है, क्योंकि यहां पर क्या है, ओहो मिरर है तो मिरर वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जरा देखिए, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी, हमें क्या चाहिए होती है फॉर्मूले में, हमें चाहिए होती है फोकल लेंथ, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आपको चाहिए फोकल लेंथ, u क्या होता है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या होती है इमेज डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ मतलब f कितना दिया हुआ बेटा, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3/2 और साथ में क्या आएगा मीटर। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालनी है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा बेटा कैसा मिरर है, रेयर व्यू मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो कुछ ऐसा होगा, बीच में क्या होगी बेटा ऐसे। अब ये हो गया आपका पोल, फोकल लेंथ बेटा किधर है, राइट हैंड साइड में, साइन कन्वेंशन आपके माइंड में हर वक्त होनी चाहिए। तो यहां पर जो फोकल लेंथ है बेटा वो कैसे ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, क्योंकि कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा -5 मीटर, एनी प्रॉब्लम। अब हमें निकालना क्या है, वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एक तो इमेज डिस्टेंस निकालना है मतलब के वी, ये हमें बताना है, और क्या बताना है, साइज, साइज बेटा देखो साइज का मतलब है मैग्नीफिकेशन, साइज का क्या मतलब बेटा मैग्नीफिकेशन। सर हाइट नहीं बताएंगे, देखो अगर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज दी हुई होती तब तो आप दूसरी हाइट निकाल पाते, यहां पर कुछ भी नहीं गिवन है, तो साइज आपको बताना होगा विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन भी क्या बताती है बेटा, साइज ही तो बताती है, तो ये दो चीजें बतानी है। जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है जरा देख लीजिए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v, v क्या है भाई, v हमें नहीं पता तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, 1/u, u कितना है बेटा -5 मीटर, तो माइनस आप डिनोमिनेटर में पुट करोगे तो माइनस आगे आ जाएगा, 1/f, फोकल लेंथ बेटा कितना है 3/2, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, देखो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, तो 1/v, ये बेटा 2 चला गया ऊपर, नीचे क्या बचा 3, ये बेटा माइनस का है उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है। एलसीएम ले लो जरा, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 10, और यहां पर लोगे तो कितना आ जाएगा 3, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा 15, तो 1/v इज इक्वल टू व्हाट 13/15। बेटा हमें वैल्यू बतानी है वी की, नॉट 1/v, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या रेसिप्रोकल, दोनों का रेसिप्रोकल करोगे तो होगा क्या, जरा ध्यान देना, दोनों का बेटा रेसिप्रोकल करोगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी 15/13 मीटर। इसको चाहो तो डिवाइड करके लिख लो, डिवाइड करके कितना आ रहा है आंसर, 1 पॉइंट कितना आ रहा है, 1.15 डिवाइड कर लोगे, ये तो आई होप के इतना तो कर ही लोगे, मैंने ऐसे कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा यहां से आपको क्या मिल गया,
पोजिशन इमेज इज, इमेज इज फॉर्म्ड 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर. क्या होगा बेटा? बिहाइंड द मिरर. कैसे पता चला? क्योंकि बेटा v की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव. v की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर. और बेटा अगर पॉजिटिव आए तो हम इसका क्या बता सकते हैं? नेचर भी बता सकते हैं. क्योंकि v बेटा उधर आ रहा है, v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब राइट हैंड साइड में. और अगर राइट हैंड साइड में बनेगी तो इमेज इज रियल, सॉरी वर्चुअल. इमेज इज वर्चुअल. क्या बात समझ में आ रही है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? एंड इरेक्ट. ठीक है, ये तो हो गया बेटा इसका नेचर. पोजीशन बता दी, नेचर बता दिया. अब हमें क्या बताना है बेटा? साइज. साइज बताने के लिए हमें क्या निकालनी होगी? हमें निकालनी होगी बेटा मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का बेटा फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा? हाँ जी बताओ. अरे कमाल कर देता, माइनस वी ओवर यू. ठीक है, माइनस वी, वी की वैल्यू कितनी है बेटा जरा देखिएगा. माइनस वी की वैल्यू देखो, ये लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. यू की वैल्यू कहाँ है? 5 है. देखो डेसिमल में लोगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हमेशा फ्रैक्शन वाली वैल्यू लिया करो. ठीक है, तो माइनस वी, वी की वैल्यू है 15 ओवर 30 डिवाइडेड बाय. यू की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस 5. क्या है? माइनस 5. देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 थ्री जा, तो आंसर कितना आ गया? 3 ओवर 30. सॉल्व करोगे आंसर कितना आ रहा है बताना जरा भाई? 0.223. ठीक है. अच्छा, अगर बेटा मैग्निफिकेशन 1 से कम हो जाए तो स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट हो जाता है. अगर 1 आएगा तो सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट होता है, अगर 1 से ज्यादा आएगा तो लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट होता है, और अगर 1 से छोटी आ जाए तो इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड. स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिमिनिश्ड. क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. समझ में आ रही बात? यानी क्लियर है बेटा? प्लीज नोट इट डाउन.